लेवल 5 का कट ऑफ कम जाएगा, तो 68 वैकेंसी आप लोग यहाँ पे 68 के अंदर, ये जरूरी नहीं है आप लोगों को यहाँ पे कि 68 को बुलाया गया है डीवी मेडिकल के लिए, तो 68 यहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे 10 से मैं देखूँ तो 0.09 अगर इसके बीच में भी बच्चों को सेकंड थर्ड डीवी के लिए बुलाता हूँ तो इसमें बच्चे चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इसमें कई सारे बच्चे होते हैं, यानी एक नंबर से नीचे कई सारे बच्चे बैठे होते हैं जिनके 0.1, 0.2, 0.3, कोई 0.10, जो 0.071 को लगभग ये मान के चलो 21 नवंबर तक, 21 नवंबर तक आप लोगों को कहीं भी नहीं आएगा। आप लोगों का 21 नवंबर के बाद में हो सकता है, जैसा कि एनटीपीसी आउटरीच कैंप हुए तो लेवल 5 का बोला गया था वहाँ पे, लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को, अगर आप लोग टाइपिंग पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे तो टाइपिंग पोस्ट से आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, आप लोगों का श्योरिटी है। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा हो, 5 नंबर ज़्यादा हो या 6 नंबर ज़्यादा हो, वो डिपेंड करेगा। ये दोस्तों एक बार हम लोग फिर से एक बार एनटीपीसी की तरफ फोकस करके देखते हैं कि एनटीपीसी का साथ साथ में क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट अब जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से लेवल 6 का थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा है। यहाँ पे सेकंड डीवी भी जल्दी ही जारी कर दिया गया है और यहाँ पे आप लोगों का लेवल 6 का थर्ड डीवी कब तक आ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और आपके साथ ही जो आप लोगों का लेवल 5 में, लेवल 5 की जो नॉन टाइपिंग और टाइपिंग की पोस्ट है उसमें आप लोगों के कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा है, तो आप लोग लेवल 5 के गुड्स गार्ड्स या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या फिर टाइपिंग की पोस्ट आप लोगों को JAA कोई सी भी मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे मेरा ये जो इसके ऊपर मुझे बात करना है, पहला इंपॉर्टेंट है मेरा कि लेवल 6 का डीवी की डेट कब तक आ जाएगी, यानी डीवी आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे इनका सेकंड पैनल में नहीं हुआ है, सेकंड पैनल में उनका नहीं हुआ है तो उनका कट ऑफ से 3-4 मार्क्स, यदि वो 3-4 मार्क्स दे रहे हैं क्या उनका चांस है कि वो थर्ड डीवी में उनका नंबर आ जाएगा, यानी कि स्टेशन मास्टर की, स्टेशन मास्टर के थर्ड डीवी में उनका नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। क्योंकि ये इस बात का पता लगाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल कमेंट देखे थे जिसमें एक कमेंट स्टूडेंट ने यह बोला था यहां पे, सर अब मैं लेवल 6 से उम्मीद छोड़ चुका हूं, मेरा लेवल 5 में 81 नंबर है तो चेन्नई जोन से ईडब्ल्यूएस से क्या मेरा होगा, क्या मेरा लेवल 6 में 1.17 नंबर से कम है, सेकंड डीवी में नंबर नहीं आया तो क्या मेरा चांस है क्या। और इसके बारे में कई स्टूडेंट ने इसको जवाब भी दिया, बगल में जो स्टूडेंट ने जवाब दिया थर्ड डीवी में मेरा थर्ड डीवी में आ जाएगा आप लोगों का नंबर, और इन्होंने कई स्टूडेंट ने इस स्टूडेंट को जवाब दिया आपका थर्ड डीवी या फोर्थ डीवी में आ जाएगा, और थर्ड डीवी फोर्थ डीवी आएंगे या नहीं आएंगे, यानी कि थर्ड डीवी तो आएगा, क्या फोर्थ डीवी भी आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है हमारा कि आप लोगों का यहाँ पे जो टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट है वो कब तक आ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे एक और है कि लेवल 6 का ये ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा प्रोग्राम, यानी कि लेवल 6 की ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी उसके बारे में बात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको स्टार्ट करते हैं, तो लेवल 6 का थर्ड डीवी के बारे में बात करेंगे, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ से आप लोगों के कितने नंबर कम है तो आप लोग आराम से यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे यहाँ पे। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का थर्ड डीवी, तो थर्ड डीवी के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा जो अभी बिहाइंड था कुछ प्रोसेस हुआ ना उसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, फिर उस प्रोसेस को समझने के बाद में फटाफट आप लोगों को पता लग जाएगा कि थर्ड डीवी के साथ में अगर आप लोग इस प्रोसेस को समझ जाते हो जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को जल्दी ही यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब एक सिक्वेंस पता लग जाएगा किस तरह से सिक्वेंस चलने वाला है, किस तरह से लेवल 5 का रिजल्ट जाने लेवल 5 का रिजल्ट आ जाएगा, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट का रिजल्ट आ जाएगा, एक सिक्वेंस समझ में आ जाएगा। तो आज ये वीडियो यहाँ से समझते हैं। तो क्या है दरअसल आप लोगों को पता होगा टोटल हमारे कितने, टोटल आप लोगों के यहाँ पे 21 आरआरबी है, 21 आरआरबी में से पहला जो आरआरबी है यहाँ पे चेन्नई है, और इस चेन्नई ने यहाँ पे आप लोगों का 26 से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पे डीवी मेडिकल कंप्लीट कर लिया, और इससे डीवी मेडिकल कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ आप लोगों का 10 से 15 दिन के बाद में इनका क्या हुआ लेवल 6 का फर्स्ट पैनल जारी कर दिया गया, फर्स्ट पैनल में जारी कर दिया गया, और जिसमें चेन्नई बोर्ड में कितनी वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर की, चेन्नई बोर्ड में कितनी वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर की, कम से कम यदि आप लोग देखो तो पूरी कम से कम क्या ओरिजिनली देखा जाए तो 601 वैकेंसी थी, 601 वैकेंसी का 16% वहाँ पे उन्होंने
रिजल्ट को रख लिया, यानी कि 96 वैकेंसी को रख लिया, बाकी आप लोगों का यहाँ पे 505 का यहाँ पे फर्स्ट पैनल जारी कर दिया। जैसे ये फर्स्ट पैनल जारी हुआ तो उसके दो से तीन दिन बाद में आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सेकंड पैनल आप लोगों का जारी कर दिया। और मैंने कई बार बोला था वीडियो में आप लोगों का यहाँ पे सेकंड पैनल, आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट पैनल होता है, आप लोगों को यहाँ पे सेकंड पैनल भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे का पूरा का पूरा और रेलवे पूरा का पूरा ये करना चाहता है कि लेवल 6 का जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है ना, सबसे पहले मैं उसको भर दूं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आरआरबी मुजफ्फरपुर का जो चेयरमैन का बयान आया तो उन्होंने भी यही बोला था यहाँ पे आप लोगों का, पहले जब तक लेवल 6 को कंप्लीट नहीं कर लिया जाता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग इसी तरह से प्रोसेस करते रहेंगे और इस तरह से आप लोगों के सामने प्रोसेस कर रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पे तो सेकंड डीवी आया, और सेकंड डीवी में आप लोगों को पता होगा सेकंड डीवी में कितना है, सेकंड डीवी में आप लोगों ने जो 96 बच्चे थे उनको किस तरह से डिवाइडेशन कर दिया, 68 में कर दिया और 28 में कर दिया गया। और जो 68 का ना इसका सेकंड पैनल नाम दरके इस सेकंड पैनल को जारी कर दी गए, जिसमें बच्चों को यहाँ पे जो बच्चों की लिस्ट आई है अब वो वाले बच्चे भी जो लेवल 5 से उठ के लेवल 5 में सिलेक्शन की सोच रहे थे उनका 68 में यहाँ पे नाम आ गया, और लेवल 5 से आकर नहीं यहाँ पे जा रहे हैं उस स्टेशन मास्टर की पोस्ट में, और लेवल 5 की जॉब छोड़ देंगे तो लेवल 5 का कट ऑफ तो कम रहेगा ही रहेगा, साथ में इनको यहाँ पे स्टेशन मास्टर की जॉब लेंगे। तो स्टेशन मास्टर की जब जॉब लेंगे आप लोगों के यहाँ पे जब लोन जॉब ले लेंगे तो लेवल 5 का कट ऑफ कम जाएगा। तो 68 वैकेंसी आप लोगों यहाँ पे 68 के अंदर, ये जरूरी नहीं है आप लोगों के यहाँ पे कि 68 को बुलाया गया है डीवी मेडिकल के लिए तो 68 के 8 यहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आप लोगों के यहाँ पे जो रिजेक्ट होंगे या डीवी मेडिकल में A2 मेडिकल को फिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अनफिट रह जाएंगे किसी भी कारणवश से। हालांकि जो अनफिट रह जाते हैं तो उनको री मेडिकल के लिए ऑप्शन दिया जाता है, तो हो सकता है आप लोगों के जो 28 कैंडिडेटों को यहाँ पे रोका गया है तो इनको रीमेडिकल दिया हुआ है, और जब रीमेडिकल दिया हुआ है तो इनमें से जो बच्चे रिजेक्ट होंगे रिजेक्ट होने के बाद में जो थर्ड डीवी आएगा आप लोगों का, अब वो थर्ड डीवी आएगा, और थर्ड डीवी कब तक आ जाएगा, थर्ड डीवी आप लोगों का कब तक देखने को मिल सकता है, थर्ड डीवी मैं बताऊं ना आप लोगों को यहां पे, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड डीवी अभी जारी करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे जो 28 बच्चे हैं उनको क्या है रीमेडिकल दिया गया है, तो किसी को कितना वक्त दिया है, किसी को कितना वक्त दिया है, तो टाइम तो लगेगा, ऐसे तो तीन चार महीने लग जाएंगे, कोई बच्चा है यहाँ पे तो आप लोगों को थर्ड डीवी अभी नहीं आएगा, ऐसा लगता है थर्ड डीवी अब नहीं आएगा तो क्या होगा आगे का प्रोसेस ये होगा आप लोगों के यहाँ पे, थर्ड डीवी नहीं आएगा तो लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। अब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो आप लोगों के यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे बोल रहे थे 3 से 4 नंबर मैं लेवल 6 में रह चुका हूँ, क्या मेरे नंबर आ सकता है, तो पहले मैं बता दूँ यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की ये 5 कैटेगरी होती है आप लोगों के यहाँ पे, नॉर्मल जनरल आप लोगों का ओबीसी और आप लोगों का ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी ये 5 कैटेगरी होती है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। जैसे जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या एसटी हो, ये क्या है जब लेवल 6 का जब थर्ड डीवी आता है यहाँ पे तो कट ऑफ को मेरिट को डाउन करते हैं, मेरिट को डाउन करके बच्चों को बुलाते हैं। तो देखा जाए ना जैसे 0.0 से मैं देखूं तो 0.0999 अगर इसके बीच में भी बच्चों को सेकंड थर्ड डीवी के लिए बुलाता हूँ तो इसमें बच्चे चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इसमें कई सारे बच्चे होते हैं, यानी एक नंबर से नीचे कई सारे बच्चे बैठे होते हैं जिनके 0.1, 0.2, 0.3 कोई 0.10 जो 0.71 को 0.1, यानी कि मुश्किल से बहुत ही रेयर केस में होते हैं यहाँ पे कि जिनका यहाँ पे एक से ऊपर यदि नंबर से रह रहे हैं आप लोग, 3 से 4 नंबर तो छोड़ो, 3 से 4 नंबर को तो कहीं भी नहीं आएगा यहाँ पे थर्ड डीवी में, क्योंकि जो मेरिट डाउन हुई है ना उसका कोई भी ऑफिशियल अभी नहीं आया कि कितनी मेरिट डाउन करके यहाँ पे सेकंड डीवी वालों को यहाँ पे बुलाया गया है, ऐसा कोई रेलवे का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो उसके बारे में बात करने से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे आप लोग ये मान के चलो आप लोगों के यहाँ पे एक से कम नंबर है, यानी कि 0.01 से लेकर आप लोगों के यहाँ पे 0.99 के बीच में भी, यानी कि एक से कम नंबर वालों को यहाँ पे थर्ड डीवी में आ सकता है और फोर्थ डीवी में आ सकता है, ये देख लेना थर्ड डीवी भी आएगा फोर्थ डीवी भी आएगा, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी फिल नहीं कर जाती तब तक आप लोगों को इस तरह से पैनल आते रहेंगे। तो ये था आप लोगों का यहाँ पे थर्ड डीवी के बारे में, और थर्ड डीवी कब तक आएगा, थर्ड डीवी अभी नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि लेवल 5 का रिजल्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे जो 21 आरआरबी है तो 21 आरआरबी में से आप लोगों को पता होगा अभी तो 1 आरआरबी ने यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो बाकी 20 आरआरबी का प्रोसेस होगा, तो
पूरा का पूरा जो नवंबर का महीना है, पूरा का पूरा जो नवंबर का महीना है, डीवी और प्लस मेडिकल और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने में लगभग लगभग पूरा का पूरा नवंबर खिंच जाएगा। और नवंबर खिंच जाएगा तो लगभग लगभग ये मान के चलो 21 नवंबर तक, 21 नवंबर तक आप लोगों को कहीं भी नहीं आएगा। आप लोगों का 21 नवंबर के बाद में हो सकता है, जैसा कि एनटीपीसी आउटरीच कैंप हुए तो लेवल 5 का बोला गया था, वहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान क्या एनटीपीसी के आउटरीच कैंप में बोला था, यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को, लेवल 5 के रिजल्ट की डेट के बारे में उन्होंने पूछा था ना स्टूडेंट ने, तब यही बोला था वहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने, लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों का नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा। जैसे नवंबर के लास्ट तक आएगा उससे 4 से 5 दिन के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे जो रेस्पॉन्स शीट है ना, टाइपिंग की, जो ये टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट है ना, ये वाली टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट है आप लोगों को उसके 4 से 5 दिन बाद में दिखाई देगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, लेवल 5 का जो प्रोसेस होगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा। इसमें भी CBT 1 हुआ है, इसमें भी CBT 2 हुआ है, इसमें साइको हुआ है, इसमें CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ और यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट हुआ। तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग आप लोगों का लेवल 5 होगा, यानी कि आप लोगों का साइको का रिजल्ट से पहले ही, यानी टाइपिंग के रिजल्ट से पहले ही आप लोगों को लेवल 5 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेवल 5 के बाद में आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट देखने को मिलेगी। तो ये सारा कुछ सवाल का जवाब हुआ। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का एक और सवाल का जवाब है यहाँ पे, लेवल 6 की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो लेवल 6 की ज्वाइनिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो लेवल 6 की आप लोगों की ज्वाइनिंग लगभग लगभग देखा जाए तो पूरा नवंबर में लगभग लगभग सारे के सारे 21 जोन के काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे और आप लोगों को यहाँ पे दिसंबर 2022 में ज्वाइनिंग देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर 2022 में ज्वाइनिंग पकड़ा दी जाएगी आप लोगों को यहाँ पे, यानी कि आप लोग स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर लग जाओगे। तो ये कुछ सारा कुछ अपडेट था यहाँ पे जो मुझे आप लोगों को बताना था, इसी वीडियो मैंने बना के बताई। और हाँ, यदि आप लोगों को यहाँ पे लेवल 5 में आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे जो कमेंट करेंगे यहाँ पे कि लेवल 6 का कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि लेवल 6 के क्या लेवल 5 में हम लोग कितना कट ऑफ का वेट करें। तो आप लोग ये ध्यान रखो, आप लोग या फिर जनरल से हो या OBC हो या EWS हो या SC हो किसी भी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोग टाइपिंग पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे तो टाइपिंग पोस्ट से आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, आप लोगों का श्योरिटी है आराम से आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट में नाम आ जाएगा। क्योंकि टाइपिंग पोस्ट में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट बैठे हैं जिनके कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा है पर वो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, यानी कि टाइपिंग में पास हो जाओ और 3 से 4 नंबर भी ज्यादा है कट ऑफ से तो आप लोग सुरक्षित हो, आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट को दे दी जाएगी रेलवे। और बात करें यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और गुड्स गार्ड्स की बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे जो गुड्स गार्ड्स या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये वैकेंसी आप लोगों को कब मिलेगी, ये वैकेंसी जब मिलेगी जब आप लोगों को यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट की पोस्ट है तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ से 7 नंबर ज्यादा हो, 5 नंबर ज्यादा हो या 6 नंबर ज्यादा हो, वो डिपेंड करेगा कैटेगरी वाइज के ऊपर। सबसे ज्यादा तो जनरल में ज्यादा नंबर होने चाहिए आप लोगों के, फिर OBC में, फिर EWS में, फिर SC में, ST में, इस तरह से। यदि आप लोग यहाँ पे नॉन टाइपिंग की पोस्ट लेना चाहते हो तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ से जो टाइपिंग पोस्ट में 3 से 4 नंबर बोल रहा हूँ मैं, तो 4 से यहाँ पे 7 से 8 नंबर ज्यादा होंगे तभी आप लोग यहाँ पे नॉन टाइपिंग की पोस्ट ले पाओगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताना था कि ये जो कुछ सारा अपडेट देना था वो मैंने अपडेट दे दिया। और जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूम प्रोसेस है ये वाला, थोड़ा सा लंबा भी खींचेगा इस तरह से। तो इस तरह से जो ये चलता रहेगा तो लेवल 3 और लेवल 2 कब तक आएगा आप लोग खुद देख लो अपनी आंखों से। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।